सरकार की नई शासन नीति को लेकर महिला सांस्कृतिक संगठन ने विरोध किया। घरों में शराब की जगह शिक्षा नीति पर ध्यान देने सरकार से आग्रह किया। अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हनुमान चौराहे पर नई शराब नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महिला संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की जो घर घर जाकर शराब नीति चालू की गई है, उसकी जगह सरकार को शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। संगठन की जिला अध्यक्ष संगीता आरबी राय ने बताया कि सरकार के द्वारा जो शराब नीति चालू की जा रही है, उसकी जगह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर महिलाओं पर अपराध के आंकड़े देखा जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 371,503 मामले सामने आए थे, जिसमें मध्य प्रदेश में 25,640 अपराध दर्ज हुए। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई शराब नीति घरों में लागू कर दी जाएगी तो जगह जगह अपराधों में वृद्धि होगी और इसके अलावा भी महिलाओं पर अत्याचार और अधिक बढ़ेंगे। सरकार ने संगठन ने आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश सरकार इस गलत नीति को वापस ले, जिसमें बढ़े हुए अपराधों को और अधिक बढ़ावा न मिले। किया जा रहा है किस को लेकर? अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ विरोध स्वरूप एक धरना दिया जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं बच्चियों पर क्राइम हो रहा है, इसमें नशे का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत इसको रद्द किया जाए, नई शराब नीति को रद्द किया जाए और मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाए, ये हमारी डिमांड है। साथ में ही महिलाओं बच्चियों पर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी अश्लील वीडियोस हैं, फिल्में हैं, अश्लीलता के ऊपर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इन डिमांड्स को लेकर आज यहाँ धरना दिया जा रहा है। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से संगीता आरपी, जिलाध्यक्ष।